ठीक है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 51, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 51 के अंदर पहला क्वेश्चन है, कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर, किसके लिए? डीसी, क्योंकि डीसी को वो पास नहीं होने देता, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या मानी जाती है? इनफाइनाइट। नंबर टू, एन एसी सोर्स प्रोड्यूसिंग दिस मच ऑफ ईएमएफ, तो एसी सोर्स है, इसकी ईएमएफ इसके हिसाब से चेंज हो रही है। नॉर्मली हमें आदत नहीं है इसको देखने की, हमें आदत है एक साइन और एक कॉस देखने की, ये कॉस और कॉस दे रहा है लेकिन अंदर की ओमेगा टी चेंज कर रहा है। नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में ओमेगा टी सेम रहता है, ऐसे ओमेगा टी चेंज हो रहा है, एक 100 पाई टी और एक 500 पाई टी। कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर एंड अ रेजिस्टर, तो एक कैपेसिटर और रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट इज फाउंड टू बी दिस वैल्यू, तो स्टेडी स्टेट करंट है वो इसके इक्वल है। आपको बताना है कि अगर यहां से ये करंट कैपेसिटर के अंदर पास होगा तो उस केस में आई वन बढ़ा कि आई टू बढ़ा। एक्चुअल मेथड तो ये कहता है कि इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, एक्चुअल मेथड में कैपेसिटर में अगर आपको करंट निकालना है तो पहले इंस्टेंटेनियस चार्ज चाहिए आपको, तो आप इसमें ईएमएफ लें, चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू ईएमएफ करें, कैपेसिटर इंटू ईएमएफ मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, चार्ज आ गया। फिर करंट निकालने के लिए इसे डिफ्रेंशिएट करें, तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी क्यू बाई डी टी, तो आपके पास इसकी डिफ्रेंसिएशन कॉस की क्या आएगी, माइनस साइन 100 पाई टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ 100 पाई टी से क्या आएगा 100 पाई, क्योंकि डी टी बाई डी टी क्या होता है 1, और ऐसे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ऑफ अगेन माइनस ऑफ साइन ऑफ 500 पाई टी इंटू 500 पाई टी, ये वैल्यू आती है। इसे अगर ओपन कर लें, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म ओपन करके माइनस साइन ऑफ दिस टर्म को, क्योंकि 100 पाई तो बाहर आ गया कोफिशेंट, तो साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो माइनस साइन ऑफ 100 पाई टी को अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा कॉस ऑफ 100 पाई टी प्लस सम एंगल फाई वन, और ऐसी यहाँ पर भी 500 पाई टी कॉन्स्टेंट है सी ई नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई करके, माइनस साइन 500 पाई टी को कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस ऑफ 500 पाई टी प्लस सम एंगल। मैंने सम एंगल इसलिए किया क्योंकि मेरे को करंट भी इसी फॉर्म में गिवन है, तो करंट दिखना स्टार्ट हो गया इस फॉर्म में। अब ये जो कोफिशेंट होगा ये आई वन होगा और ये जो कोफिशेंट होगा आई टू होगा, साफ पता लग रहा है आई टू ग्रेटर देन आई वन। ये तो है एक्चुअल तरीका, लंबा तरीका, मैथमेटिकल तरीका, एक छोटा तरीका। आपको ये पता है कि आप इसको ई को सी से मल्टीप्लाई करने वाले हो तो चार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो डिफ्रेंशिएट करके करंट आएगा, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका कोफिशेंट 100 पाई टी होगा, पता लग रहा है कि आई वन के अंदर 100 पाई टी आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके 500 पाई टी बाहर आएगा, तो पता लग ही रहा है कि आई टू ग्रेटर देन आई वन, तो जिसका ओमेगा टी बढ़ा होगा उसको आई टू की वैल्यू मैग्नीट्यूड में बढ़ी आने वाली है, राइट। तो एक्चुअल मेथड बता दिया लेकिन एक शॉर्टकट भी बता दिया कि इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीक वोल्टेज इन 200 वोल्ट एसी सोर्सेस, तो पीक वोल्टेज निकालनी है और जब कुछ मेंशन ना हो तो ये कौन सा वोल्टेज है, ये आरएमएस है, तो आरएमएस है, पीक वोल्टेज निकालनी है तो पीक वोल्टेज क्या होगी, ई आरएमएस इज ई नॉट बाय रूट टू, तो ई नॉट इज इक्वल टू रूट टू इनटू ई आरएमएस। नेक्स्ट है एसी सोर्स रेटेड 220 वोल्ट, तो एसी सोर्स है और 220 वोल्ट लिखा हुआ है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो कौन सी वैल्यू है, ई आरएमएस है। एवरेज वोल्टेज इज कैलकुलेटेड इन टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकेंड, तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज ये गिवन है कि वोल्टेज की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 1/फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 1/50, सॉल्व करके 0.02 सेकेंड। ठीक, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। मुझे क्वेश्चन में गिवन है ई आर एम एस, ई आर एम एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 200 वोल्ट है, चेक करना कि 220 है, 200 है, 220, ओके, चलो फर्क कोई नहीं पड़ता वैसे क्योंकि उसने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं मुझसे, मुझसे वो ये पूछ रहा है कि टाइम 0.01 सेकंड पे क्या एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू का मीन वैल्यू की वैल्यू मस्ट भी जीरो होगी या मे भी जीरो होगी या क्या होगा। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये कैपिटल टी है तो ये टाइम को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी बाई टू। हमने जो याद की हुई थ्योरी में एनसीईआरटी में ये किया था कि कैपिटल टी टाइम के लिए एवरेज वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो, तो टी बाई टू में नॉन जीरो होनी चाहिए, उस हिसाब से नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन
आंसर नॉन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब बताता हूं क्यों। अगर आप अपने मन में ये याद करेंगे कि ईएमएफ तो हमेशा v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी होती है, तो ऐसा इसने मेंशन नहीं किया। क्वेश्चन पूछते हुए उसने ये मेंशन किया होता कि मेरी वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी है, मैं मान लेता कि जीरो से टी बाई टू में इसका आंसर नॉन जीरो आएगा। उसने बोला ही कि करंट वोल्टेज का फंक्शन क्या है। अब वोल्टेज v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, वोल्टेज v इक्वल टू v नॉट कॉस ओमेगा टी कुछ भी हो सकता है। तो आप ये सोचें कि अगर आपकी वोल्टेज की वैल्यू साइन फंक्शन में है, मान लो साइन है, तो साइन का ग्राफ ऐसे शुरू होता है। अब सोचें एक मिनट के लिए कि मैं आपको 0 से 0.01 सेकंड का मतलब ये पूछ रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम टोटल मान लें 0.01 है। अब मुझे एक बार बताएं, इस समय के अंदर आधी वैल्यू पॉजिटिव है और आधी वैल्यू नेगेटिव है, तो एवरेज वैल्यू करंट की क्या आएगी? जीरो। यानी कैसा हो सकता है आप टाइम ही ऐसा चूज कर रहे हैं कि जहाँ पर 0.01 सेकंड में आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव। ऐसे ही कॉस में भी तो हो सकता है, कॉस का ये फंक्शन होता है। कॉस में लेट अस सपोज मैंने वैल्यू यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ तक ले आया, तो फिर से अगर ये टोटल टाइम 0.01 सेकंड है तो आधी वैल्यू पॉजिटिव है और आधी नेगेटिव है, तो फिर से आंसर जीरो हो सकता है। हो सकता है और हो सकता है ना भी हो। तो इसका मतलब कि इस केस में वो पूछ रहा है क्या आंसर मस्ट भी जीरो होगा? नहीं, नॉन जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, मे भी जीरो होगा, मे भी जीरो होगा, हो भी सकता है, नहीं भी। हाँ ये सही है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कि अगर आपने साइन फंक्शन ले लिया, अगर आपने साइन लिया और साइन के अंदर अगर आपने जीरो से लेके 0.01 सेकंड में ये टाइम लिया, फिर तो आंसर नॉन जीरो है। पर अगर आपने साइन फंक्शन के अंदर ही ये टाइम ले लिया 0.01, तो आंसर जीरो भी हो सकता है। तो हम कह नहीं सकते आंसर जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंटरवल लिया इस ग्राफ का, तो इसलिए इसका आंसर ऐसा हो सकता है, मे बी जीरो। क्लियर है यहां तक? अदरवाइज एक्सक्यूज मी सर। हां बोलो सर, स्क्रीन बहुत ब्लर हो रही है। एक सेकेंड, बाकियों को भी लग रहा है क्या? नहीं सर, आपको डिसकनेक्ट होके कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके सर। बाकी ठीक है ना? बाकी ठीक लग रहा है ना? यस बस में ठीक है। ठीक है, तो ये टर्म आ गई। फिफ्थ क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इन एन इंडक्टर चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिलीसेकंड, तो व्हेन कनेक्टेड टू एसी सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स क्या है? अब एसी सोर्स की क्या प्रॉब्लम है कि पहले करंट जीरो है, फिर मैक्स है, फिर जीरो है, फिर मैक्स है, फिर जीरो है। एसी ऐसे चेंज होता है, अपनी वैल्यू को चेंज करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि एनर्जी की वैल्यू, ये एनर्जी की वैल्यू है, करंट की वैल्यू, ये देखो ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स में करंट यहाँ, देखो यहाँ से यहाँ आने में टाइम क्या लगता है? टी। और इंडक्टर की एनर्जी होती क्या है? एक इंडक्टर की हाफ एल आई स्क्वायर। तो करंट जब जीरो से मैक्स वैल्यू पे आएगा, तो करंट की वैल्यू जब मैक्स होगी, तो टाइम कितना हो चुका है? टी बाय फोर, क्योंकि ये टाइम क्या है? टी बाय टू, तो ये टाइम क्या है? टी बाय फोर। तो ऐसा होने में समय कितना लगता है? 5 मिलीसेकंड। यानी कि इस क्वेश्चन में टी बाय फोर किसके इक्वल है? 5 मिलीसेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? टाइम आ गया। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ गई। इसमें वो कह रहा है कि एनर्जी जीरो से मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इतनी देर में होती है जब इसमें एसी करंट पास करते हैं। एनर्जी होती क्या है? हाफ एल आई स्क्वायर। करंट जब जीरो से मैक्स होगा तो एनर्जी भी जीरो से मैक्स होगी या मैक्स से जीरो होगी। तो ऐसा होने में समय कितना लगता है? टी बाई फोर। तो ये टी बाई फोर गिवन है, टी बाई फोर से टी आ गया और रेसिप्रोकल से फ्रिक्वेंसी आ गई। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स में रिप्रेजेंट रिएक्टेंस ऑफ सीरीज एलसी कॉम्बिनेशन। रिएक्टेंस होती क्या है? एक्स एल और एक्स सी। लेकिन यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है एलसीआर में, रेजिस्टेंस तो मेंशन नहीं है इसमें, इसमें एल और सी गिवन है सिर्फ, तो नेट रिएक्टेंस इसके इक्वल है। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भी आएगी जब एक्स एल किसके इक्वल होगा? एक्स सी। तो आपकी रिएक्टेंस उस केस में क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये ग्राफ जीरो को इंटरसेक्ट जरूर करेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी लो है
तो XL बड़ा होगा, और फ्रीक्वेंसी हाई है तो XL, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो XC बड़ा होगा, और फ्रीक्वेंसी हाई है तो XL बड़ा होगा, और बीच में वैल्यू जीरो भी आएगी। तो यानी कि वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, वैल्यू नेगेटिव भी होगी, और वैल्यू जीरो भी होगी। और ओमेगा के साथ लीनियर ग्राफ तो बनता ही नहीं है, पैराबोलिक सा ग्राफ, हाइपरबोला सा ग्राफ बनता है। तो ये आंसर है, ठीक, डी आंसर है। सीरीज एसी सर्किट है, सीरीज एसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस गिवन है, इंपीडेंस निकालनी है। तो सीरीज एसी सर्किट में ये रिएक्टेंस है, अब रिएक्टेंस कौन सी, एक्सएल एक्ससी या कुछ भी हो सकती है। मैंने नेट रिएक्टेंस एक्स ले लिया, दैट इज डिफरेंस ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी। आपको क्वेश्चन में जेड पता है, आर पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। आंसर सिक्स्थ में आपको रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी अगर आप प्लॉट करना है, रिएक्टेंस की रही फ्रीक्वेंसी पहले लो है तो एक्स सी बड़ा है, फिर जीरो बराबर हो जाएगा, और फिर एक्स एल बड़ा हो जाएगा। तो आपकी ये कट जरूर करेगा ना जीरो को, रिएक्टेंस जीरो भी तो होगी। हाइपरबोला बनता है, ठीक। तो नेक्स्ट एट, ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड नहीं, तो बहुत फेमस एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ओनली फॉर एसी, डीसी के लिए यूज नहीं होता ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट में करेक्शन है, नेक्स्ट की करेक्शन में आपको ये फंक्शन कॉस करना है प्लीज। तो आपको ये करना है, आई इज इक्वल टू आई वन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये करेक्शन कर लें, ये वैल्यू आ गई। आपको आरएमएस करंट निकालना है, मैंने आपको एसी चैप्टर में कराया था, अगर आपको साइन कॉस की इक्वेशन गिवन हो और आपसे मैक्सिमम करंट पूछा जाए, जिसको करंट एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, तो मैंने क्या शॉर्टकट करवाया था, साइन के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो ये वैल्यू है। तो आपके पास आपको क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है। आरएमएस वैल्यू क्या होगी, आई मैक्स डिवाइडेड बाय रूट टू। तो इसको डिवाइड कर लो, आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर बाय टू, आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ से आंसर आएगा आई आर एम एस का, आई मैक्स तो आई जाएगा, आई नॉट को रूट टू से डिवाइड करेंगे, आई आर एम एस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आर एम एस वैल्यू निकालनी है, करेक्शन कर लो। तो क्वेश्चन है, ऑल्टरनेटिंग करंट हैव पीक वैल्यू 14 एम्पियर, आई नॉट गिवन है, मेटल वायर को गर्म करना है, तो सेम हीटिंग करंट कितना कॉन्स्टेंट करंट पास करेंगे ताकि सेम हीट हो, तो आई आर एम एस वही काम करता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट ने अगर एच हीट प्रोड्यूस की तो आई आर एम एस भी सेम करंट सेम हीट प्रोड्यूस करेगा, तो आई आर एम एस निकाल लेना, आई नॉट बाई रूट टू इज द आंसर, ठीक आंसर है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टेंट करंट 2.8 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ रेजिस्टर, करंट कांस्टेंट है, दी आरएमएस करंट क्या है, कांस्टेंट करंट ही आरएमएस होता है, तो आंसर 2.8 ही है। डी क्यों होगा, कांस्टेंट करंट, हाँ तो डीसी का इक्वलेंट एसी में आई आरएमएस होता है, डीसी में अगर डीसी कांस्टेंट तो आई आरएमएस उसके इक्वलेंट एक ही बात होती है। ट्वेल्थ
तो क्या क्वेश्चन है? इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर आर ज्वाइंड इन सीरीज, एसी सोर्स है, एलसीआर है। फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाएंगे लो टू हाई वैल्यू तो रिएक्टेंस कैसे चेंज होगी? पहले ये ऑप्शन है, सॉरी, इंडक्टर की रिएक्टेंस बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा, में ओमेगा बढ़ेगा तो एक्स एल बढ़ेगा। रेजिस्टर की वैल्यू नहीं, रेजिस्टर तो इंडिपेंडेंट है, ओमेगा का फर्क नहीं पड़ता है इसे। कैपेसिटेंस की बढ़ेगी नहीं, कम होएगी। नेक्स्ट, ऑफ द ओवरऑल सर्किट बढ़ेगी, बढ़ेगी, ओके ये कह रहे हैं बढ़ेगी। तो रिएक्टेंस है क्या? एक्स एल और एक्स सी का डिफरेंस है। उसने कहा ओमेगा बढ़ रहा है, ठीक है, ओमेगा बढ़ना शुरू हो गया, ओमेगा बढ़ना शुरू हो गया तो ये वैल्यू बढ़नी स्टार्ट होगी और ये वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो गई, ओवरऑल एक्स बढ़ना स्टार्ट हो गया, ऐसे ही है। पर तुम्हें तो ये पता नहीं ना कि ये बड़ा ही होगा इससे, क्या पता इनिशियल वैल्यू में ये बड़ा और ये छोटा हो, अब तब भी सेम आंसर है, तो भी बढ़ेगी, चेक कर लेते हैं। अब शुरू में उसने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज स्लाइटली इंक्रीज फ्रॉम अ वेरी लो वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, तो काफ़ी कम है तो एक्सएल की वैल्यू तो बढ़ेगी, बढ़ेगी एक्सएल तो बढ़ेगा, एक्स सी कम होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्स सी माइनस एक्सएल वैल्यू है, ठीक है, इनिशियली एक्स सी बड़ा था और एक्सएल छोटा था, ओमेगा ने बढ़ना शुरू कर दिया, एक्स एल बढ़ गया, एक्स सी कम हो गया, तो घट गया यार, नहीं एक मिनट, ये वैल्यू बढ़ रही है और ये कम हो रही है भाई, डिफरेंस कम हो रहा है, नेगेटिव है। देखो ओवरऑल रिएक्टेंस अगर मान लो ये वैल्यू पहले मान लो 10 थी, ये वैल्यू 8 थी, ठीक है, आप बोलेंगे इसका डिफरेंस 2 है और इसकी वैल्यू ओमेगा बढ़ेगा तो डिफरेंस बढ़ेगा, डन, सही है। मान लो ये वैल्यू पहले 8 है और ये वैल्यू 10 है, ठीक, ये 10 है, तब अगर मैं ओमेगा को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 7 और ये वैल्यू हो जाएगी 11। अब अच्छा ठीक है, आप इसमें एल, अच्छा ठीक है, राइट, मैंने आर नहीं लिया, अब मैं आर लूंगा तो होल स्क्वायर में आएगा आंसर, राइट, ठीक है। तो जेड का फॉर्मूला मुझे लेना चाहिए आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, अब फर्क पड़ जाएगा क्योंकि अब अगर ओमेगा बढ़ेगा अब अपने को डिफरेंस ही देखना है, अब फर्क नहीं पड़ रहा ना, पहले जब मैं इंडिविजुअल ले रहा था तो मैं सिर्फ आर को छोड़ रहा था, अभी क्या है, अभी मैंने क्या लिया, अभी मैंने क्योंकि इंडक्टर रेजिस्टर एंड कैपेसिटर है सीरीज में तो ओवरऑल ये जेड है, इम्पीडेंस है और वो क्वेश्चन किस पे पूछ रहा है, रिएक्टेंस पे, तो रिएक्टेंस का मतलब वो एक्स पे पूछ रहा है, तो ओवरऑल रिएक्टेंस होगा क्या, एक्स एल माइनस एक्स सी, तो आर तो छोड़ना ही पड़ेगा उस केस में, ठीक ही तो कर रहा था फिर मैं, तो आर की वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा, इम्पीडेंस पूछता तो फिर ओवरऑल होता, रिएक्टेंस पूछ रहा है तो इसके इक्वल। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन बड़ा कौन छोटा, डिफरेंस कम भी हो सकता है, डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है, गैप बढ़ेगा ना, उसने ये नहीं पूछा कि एक्स की वैल्यू नेट बताओ क्या होगी, वो पूछ रहे बढ़ेगा या कम होगा। अब जैसे मान लो, मैंने आपको फिर सेम एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान लो ये 10 है और ये 8 है, ओमेगा जब मैं बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, 10 की जगह 11 हो जाएगा और ये कम हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, सही है, आपकी सही है। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक्स सी बढ़े और एक्स एल छोटा है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मॉड लेते हो आप और नेट आंसर मॉड में निकालते हो, नो डाउट, पर चलो इंडिविजुअल अगर आप लेते हो तो एक्स सी बढ़े और एक्स एल छोटा है, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू 8 है और ये 10 है और अगर आपका ओमेगा बढ़ता है तो ये तो 7 रह गया ना और ये तो 11 हो गया ना,
तो इनका डिफरेंस जो था वो 10 में से 8, यानी कि अब कितना हो गया, ये वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, एक का फर्क यहाँ पड़ गया। पहले डिफरेंस क्या था, 2 था, अब ये डिफरेंस क्या हो गया, अब ये नेट जो वैल्यू आ गई वो 4 की हो गई। ठीक, इसके अंदर ये क्या हुआ, ये बढ़ गई, ओवरऑल बढ़ गई। इसके अंदर क्या हुआ, ये डिफरेंस 7 और 11 का अब 4 हो गया, लेकिन जो डिफरेंस है वो रिवर्स हो गया ना, क्योंकि एक कैपेसिटेंस में और एक इंडक्टर में है। तो ये ओवरऑल अगर आप एक्स की बात कर रहे हो तो हाँ बढ़ेगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत, मैग्नीट्यूड ले लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हो तो आप इसमें मेंशन नहीं कर सकते, उसे वैल्यू नहीं पूछी एक्स की, उसने पूछा ओवरऑल एक्स क्या होगा, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो अगर एक्सेल बढ़े तो हाँ बढ़ रहा है, एक्स ही बढ़े तो ये डिफरेंस उल्टा कम होना स्टार्ट हो गया। तो इस केस में इसलिए डी ऑप्शन मार्क नहीं किया, सिर्फ इंक्रीज नहीं किया, वो आंसर डिक्रीज में भी आ सकता है, रिवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इसने बेस्ट आंसर क्या मार्क किया, इंडक्टर में तो श्योर शॉट है कि आंसर इंक्रीज ही होगा, ऐसे है। हाँ अगर मैग्नीट्यूड होता न्यूमेरिकल में फिर बात अलग थी, मैग्नीट्यूड के अंदर तो हमने करना ही था जो हमने काम करना है, मैग्नीट्यूड में तो मॉड लगा के काम कर देते हैं। ठीक, तो इंक्रीज डिक्रीज का फैक्टर पूछ रहा है, वो इंक्रीज डिक्रीज ऐसे होगा। तो 13th क्वेश्चन के अंदर, और एनसीईआरटी का वो सीबीएसई का एक सैम्पल पेपर मैंने कल लेटेस्ट सेंड किया था, उसमें 12वां 13वां क्वेश्चन देखा, वही था लास्ट लेक्चर वाला। 2L और L, वो लूप एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ई बी एल वी में L क्या लेना है, L या 2L, वो अलग अलग साइज की लूप एंटर करवा रहा था। चांस की बात है वो एनसीईआरटी के सैम्पल में पड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0, चलो एक्स की वैल्यू नेट 0 है। इट इज पॉसिबल दैट सर्किट कंटेन्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर, हाँ जब एक्सएल एक्सी के इक्वल है एक्स नेट 0 हो सकता है रेजोनेंस पे। ओनली इंडक्टर, नहीं, इंडक्टर नहीं, ओनली कैपेसिटर नहीं हो सकता, एक्सएल एक्सी कुछ तो आएगा। नाइदर इंडक्टर नॉट कैपेसिटर, ठीक है भाई दोनों उड़ा दो तो ठीक है, नेट एक्स 0 ही कर दिया, बात ही खत्म। या तो दोनों को रख लो या दोनों को उड़ा दो तो ही नेट एक्स 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नेक्स्ट 14, इसके अंदर एसी सर्किट कनेक्टेड है, ठीक है एसी सर्किट है, ये समझ में आता है। सीरीज में है, इंस्टेंटेनियस करंट, जो इंस्टेंटेनियस करंट है इज 0 व्हेन इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज मैक्सिमम। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फेज डिफरेंस 90 है। 0 और मैक्स का चक्कर क्या होता है, ये मेडिकल वालों को समझने की ज़्यादा जरूरत है। जैसे अगर मैं वोल्टेज लेता हूँ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट है कॉस ओमेगा टी, तो टाइम की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू क्या आएगी, साइन 0 क्या होता है 0, और कॉस फंक्शन में करंट अगर गिवन है तो टाइम 0 पे करंट क्या आएगा मैक्स। तो एक फंक्शन साइन एक कॉस, इसका मतलब फेज डिफरेंस 90 का मतलब कि एक वैल्यू मैक्स एक वैल्यू मिनिमम में हो जाएगी, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, तो वो कह रहे हैं कि इस केस में ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब फेज डिफरेंस दोनों के बीच में वोल्टेज करंट में 90 होगा। अब 90 कब होगा, प्योर इंडक्टर में, हाँ 90 होता है क्योंकि प्योर इंडक्टर में अगर ये करंट है तो वोल्टेज इंडक्टर में 90 डिग्री आ गया राइट, हो सकता है। प्योर कैपेसिटर में, हाँ बिल्कुल सही है, प्योर कैपेसिटर में भी हो सकता है 90, दोनों कनेक्टेड है इंडक्टर कैपेसिटर हो सकता है, क्योंकि या तो वीएल बड़ा होगा या वीसी बड़ा होगा, तो नेट वोल्टेज क्या होगी, वीएल माइनस वीसी, तब भी करंट के साथ एंगल क्या बनेगा 90, कॉम्बिनेशन के साथ भी आंसर बनेगा। जो आप सोच रहे हैं कि नहीं होगा वो ये सोच के आंसर दे रहे हैं, उसमें आर भी कनेक्टेड है, क्योंकि आर कनेक्टेड होगा फिर ऐसे बनेगा एंगल, आर नहीं है इसमें,
ओनली इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट इसमें 19 दिया, 90 90 दिया आपने फिजिकल, क्यों ले रहे हैं? यस सर समझ नहीं आया मुझे कुछ नहीं अच्छा बस। 90 इसलिए क्योंकि मान लो जैसे ई की वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन में है, तो करंट की वैल्यू है आई नॉट कॉस ओमेगा टी मान लो, तो साइन से कॉस जाने में कितने का फर्क होता है? पाई बाय टू, ओके सर इसलिए ले रहे हैं। नेक्स्ट 15th, तो क्वेश्चन है इंडक्टर कॉइल हैविंग सम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, तो इंडक्टर है एलआर सर्किट है, कौन सी क्वांटिटीज हैव जीरो एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल? पहला करंट, हाँ ठीक है इंडक्टर में अगर आप ये करंट सेंड करेंगे, आप ये तो सेंड करते नहीं, हम तो इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू करते हैं, वो तो हम करते हैं, उल्टा भी तो हो सकता है, करंट सेंड करो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या प्रॉब्लम है? तो ई एम एफ हो जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो करंट की कोई भी इंस्टेंटेनियस फंक्शन हो सकता है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और जीरो से कैपिटल टी तक इसका एवरेज वैल्यू क्या आएगा? जीरो आ सकता है, पहला पॉइंट है। दूसरा इंड्यूस्ड ई एम एफ, भाई अगर आप ई एम एफ का फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं, देखो उसने कहा फॉर्मूला जो मर्जी यूज़ करो, उसने मेंशन नहीं किया क्या यूज़ करना है, तो अगर आप ई एम एफ का फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं तो भी एवरेज ई एम एफ क्या आएगी? जीरो से कैपिटल टी तक जीरो, तो ये भी हो सकता है। हीट, ना हीट नहीं जीरो आएगी, हीट चाहे करंट इधर हो चाहे इधर हो, गर्म तो होएगी तार, वायर तो गर्म होएगी, तो उसमें हीट कैंसिल नहीं हो सकती। मैग्नेटिक एनर्जी, देखो जब जब करंट है मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें रहेगा रहेगा, वो भी जीरो नहीं हो सकता, तो दोनों चीज़ें जीरो हो सकती हैं, ई एम एफ एंड करंट। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? डायनमो। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, एसी डीसी कोई भी, हमने डीसी डायनमो किया नहीं पर काम वो भी यही करता है, वो डीसी करंट पैदा करता है, ये एसी करता है, तो डीसी और एसी दोनों आंसर्स हैं इसके। नेक्स्ट है 17, देखो क्या क्वेश्चन है कि एसी सोर्स रेटेड 100 वोल्ट आरएमएस
सप्लाई इज़ अ करंट ऑफ इतने आर एम एस, दोनों आर एम एस करंट के बने, तो एवरेज पावर क्या होगी? तो एवरेज पावर ये तो गिवन नहीं कि ओनली इंडक्टर, ओनली रजिस्टर, ओनली कैपेसिटर, एल सी आर, पता नहीं क्या। तो एवरेज पावर का ये फॉर्मूला होता है, तो आपको ई आर एम एस पता है, वी आर एम एस पता है, कॉस फाई तो पता नहीं क्या है। अब ये वैल्यू आ गई, अब कॉस फाई की वैल्यू मिनिमम जीरो होगी, मैक्सिमम वन हो सकती है ना, माइनस तो होती नहीं कॉस फाई इसमें, एवरेज पावर में नेगेटिव तो होती नहीं। तो जीरो लेंगे तो एवरेज पावर जीरो आएगी, वन लेंगे तो एवरेज पावर 1000 आएगी, और अगर बीच में लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो आंसर एवरेज पावर दोनों के बीच में लाई कर सकता है, तो आंसर इसका मतलब ये भी हो सकता है, ओ सॉरी ये तो होगा नहीं, मस्त क्यों होगा, मे होगा, मे बी 1000, अगर कॉस फाई वन हो गया तो 1000 हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है लेस देन 1000, लेस देन 1000 में इसलिए मार्क नहीं किया, लेस देन 1000 माइनस भी हो सकता है, तो अदरवाइज जैसे लेस देन 1000 एप्लीकेबल है, 0 और 1000 के बीच में अलाउड है, अगर नेगेटिव वैल्यूज नहीं ली जाती तो ओके 1000 से कम भी हो सकता है। ठीक सर, एक बार सर सेकंड क्वेश्चन बता दो शीट पे, फिर से सेकंड क्वेश्चन। नहीं हो सकता, कॉस फाई की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं होती ना मैथ्स में, 1000 टू 1000 बस। सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने ये बताया था अभी कि आप इसे करंट निकालना चाहते हैं कैपेसिटर में, इसको सी से मल्टीप्लाई करें, सी से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करके ये टर्म आएगी, इस टर्म में yes, ये कोफिशिएंट बड़ा है और ये छोटा, तो I2 ग्रेटर देन I1 है। पर मैंने मेडिकल के लिए, yes, मेडिकल में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, पहले बात को समझो, मेडिकल के लिए इतनी डिफरेंशिएशन मांगते नहीं है वो, लेकिन अगर बाई चांस आ भी जाती है तो मैंने कोई शॉर्टकट करवाया, जिसका कोफिशिएंट बड़ा है ना उसका I2 भी बड़ा होगा, सिंपल है। तो अगर जिसका ओमेगा टी बड़ा है 500 तो I2 बड़ा होगा, बात ही खत्म हो गई, शॉर्टकट ही हो गया। ओके सर।